हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं अल्टीमेट बिगिनर गिटार लेसन्स। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं अबाउट द मेजर स्केल, मेजर कॉर्ड कैसे बनता है एंड अबाउट द मेजर कॉर्ड रिलेशंस। सो पिछले लेसन में हमने सीखा था अबाउट द क्रोमैटिक स्केल। क्रोमैटिक स्केल वो होता है जिसमें 12 के 12 नोट्स जो म्यूजिक के हैं वो सबको हम उसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज नोन एज अ क्रोमैटिक स्केल। एंड अ मेजर स्केल इज, सपोज मैं सी मेजर को उठा लूँ, एक सी मेजर नोट को, एंड उसके ऊपर से एक मेलोडिक स्केल बनाऊँ, सो दैट इज नोन एज अ मेजर स्केल। मेलोडिक स्केल का मतलब है जो नोट्स मैं उसके साथ अरेंज करूँ एंड दैट साउंड मेलोडिक, सी के साथ जो मेलोडियस साउंड करेंगे। माइनर स्केल भी होता है एंड मेजर स्केल भी होता है। There are also other types of scale like Dorian, Lydian, etc. वो modes है, वो बहुत deep हो जाएगा, we'll go that into later. So अभी के लिए let's begin with the major scale. So major scale बनाने के लिए हमारे पास एक simple सा formula है, that is root, tone, tone, semitone, tone, tone, tone. अगर आपको नहीं पता है कि tone और semitone क्या है तो आप previous lesson में जाइए और पहले उसे सीख के आइए, क्योंकि previous lesson में मैं बता चुका हूँ what is tone and what is semitone. तो अगर आप उसे जाके देखेंगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टोन एंड सेमीटोन। सो अभी लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो रूट स्टैंड्स फॉर द रूट नोट, दैट इज सपोज मुझे सी मेजर का स्केल बनाना है। सो सी मेजर में सी आ रहा है, सो दैट इज द रूट नोट। सो आई विल स्टार्ट विथ सी, सो हमने वहां पे सी लिखा। उसके बाद हमें चाहिए टोन, सो सी का टोन होगा डी, उसका टोन होगा ई, देन वी नीड अ सेमीटोन। सो ई का सेमीटोन होता है एफ, उसके बाद हमें मिलेगा जी, उसका टोन, देन अगेन अ टोन दैट इज ए, देन अगेन अ टोन दैट इज बी। सो ये जो हमें मिला दैट इज द सी मेजर स्केल, इट्स दैट सिंपल एज दैट। सो दैट, सो सी मेजर स्केल हमारा है सी डी ई एफ जी ए बी, ये हमारे नेचुरल नोट्स है। सो दिस इज द इजिएस्ट स्केल टू रिमेंबर, अगर आपको स्केल को याद रखना है तो सी डी ई एफ जी ए बी, यही मैनर में हम हमारे नेचुरल नोट्स भी बोलते हैं, सी से चालू करके हम जाते हैं बी की तरफ। सो ये हो गया हमारा मेजर स्केल। अब अगर मैं इसे नंबर दे दूं, रूट से मैं वन देना चालू करता हूं, सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर मैं इसमें से 1 3 एंड 5 को निकाल लूं एंड उन तीन नोट्स को मैं एक साथ प्ले करूं तो हमें मिल जाएगा हमारा सी मेजर कॉर्ड। So, ये फॉर्मूला से हम हमारा मेजर कॉर्ड निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर नोट के स्केल में से। लाइक मुझे डी मेजर कॉर्ड चाहिए, सो पहले मैं डी मेजर का स्केल लिखूंगा सिमिलर फॉर्मूला से, आर टोन टोन सेमीटोन टोन टोन टोन। उसके बाद मैं उसमें से 1 3 और 5 को निकाल लूंगा और उसको क्लब कर दूंगा, दैट इज 1 3 5। सो 1 3 5 इज द फॉर्मूला फॉर द मेजर कॉर्ड। आई होप ये क्लियर होगा। सो अगर हमने जो पहले सी मेजर का कॉर्ड सीखा था, अगर आपको उसका शेप याद है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। सो उस टाइम पे अगर आप विजुलाइज करें कि कौन से नोट्स प्ले हो रहे थे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सी ई और जी प्ले हो रहे थे। वो रिपीट हो सकते हैं उस टाइम पे, बट उस टाइम पे 6 स्ट्रिंग्स पे वही नोट्स प्ले हो रहे थे, सी ई एंड जी। सो इस तरह से हमें मिलता है हमारा मेजर कॉर्ड। दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मेजर कॉर्ड। अब आगे चलते अबाउट द मेजर कॉर्ड रिलेशन। जैसे स्केल में हमने देखा कि एक नोट के साथ क्या मेलोडिक साउंड करता है या मेलोडियस साउंड करता है उसके अलग अलग नोट्स जो हमने आगे लिखे, उसी तरह से अगर हम सी कॉर्ड बजा रहे हैं तो सी मेजर कॉर्ड के साथ कौन से और कॉर्ड जैसे होंगे जो मेलोडिक साउंड करेंगे उसके साथ, जो अच्छा साउंड करेंगे। सो सी मेजर का रिलेशन बनाने के लिए, सी मेजर स्केल का या कॉर्ड का रिलेशन बनाने के लिए वी हैव अनदर फॉर्मूला। हम रूट से चालू करेंगे, सो दैट इज मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर एंड डिमिनिश्ड। सो डिमिनिश्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉर्ड जो हम आगे के लेसन्स में सीखेंगे, दैट इज फॉर द एडवांस्ड लेसन्स। अभी हम बिगिन कर रहे हैं, सो विल जस्ट बी वरीड अबाउट द मेजर एंड माइनर। माइनर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ मेजर के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। सो जहाँ पे मैंने मेजर और जहाँ पे माइनर लिखा है उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग नोट को हम वो वाला कॉर्ड दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने सी स्केल लिखा है, सो उसे हम क्लब करते हैं इसके साथ, सो दैट इज सी मेजर डी माइनर ई माइनर एफ मेजर जी मेजर ए माइनर एंड बी डिमिनिश्ड। इसी तरह से आप किसी भी कॉर्ड का रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डी का ऊपर लिखूंगा स्केल
और उसको इसी फॉर्मूला में ऊपर से सुपर इम्पोज कर दूंगा, सो आई विल गेट अ डी मेजर रिलेशन। सो एक आपको मैं टिप देता हूँ, अगर आपको कोई एक कॉर्ड पता चल जाए, लाइक वो रूट है उस सॉन्ग का, तो आप अगर आपको स्केल याद है तो आप खुद से थोड़ा सा फिडल करके पूरे सॉन्ग का आप कॉर्ड खुद से निकाल सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ गूगल एंड सर्चिंग लाइक गिटार कॉर्ड्स। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप इसको प्रॉपरली समझे, बहुत ईजी है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट्स में या मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आज हमने क्या सीखा, मेजर कॉर्ड का रिलेशन, हाउ द मेजर कॉर्ड इज मेड एंड हाउ द मेजर स्केल इज मेड। सो आई होप यू एंजॉयड, आई नो यू वॉन्ट एंजॉय दिस काइंड ऑफ लेसन, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस लेसन एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ यू लर्निंग द इंस्ट्रूमेंट। एंड येस, अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू यू। हैव अ सेफ दिवाली, आई कैच यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर।